जय हिंद। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ किस प्रकार से आप अपने 1600 मीटर का टाइमिंग ज़्यादा से कम कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, जो मैं आज 5 एक्सरसाइज आपको बताऊँगा, उन 5 एक्सरसाइज को करने से आपका टाइमिंग 30 से 40 सेकेंड ज़रूर कम हो जाएगा। आपको समझ में आए, इसीलिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीके और आसानी से आपको समझाऊँगा। अभी हम शुरू करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा शरीर को वार्म अप करना ज़रूरी है, चाहे आप घर में हो चाहे कहीं भी एक्सरसाइज करें, तो थोड़ा सा वार्म अप जरूर करें, उससे आपका मसल में इंजरी नहीं होती और आपको चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे पहले आप रनिंग करने जा रहे हैं, इसीलिए अपने टांगों का एक्सरसाइज, टांगों का स्ट्रेचिंग पक्का और ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और लेते हैं हमारा आज का पहला एक्सरसाइज। तो सबसे पहला एक्सरसाइज होगा स्पॉट रनिंग। दोस्तों, आपको एक ही जगह पे जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट दौड़ना है और कम से कम 2 मिनट तक दौड़ना है। फिर आपको 1 मिनट का गैप देना है, फिर 2 मिनट तक दौड़ना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने दौड़ना किस प्रकार से है। पूरा घूमना मेरे लिए, पूरा एक ही जगह पे पहले स्लो करना है, फिर फास्ट करना है, पूरा घूम फास्ट करना है, फास्ट 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 फास्ट, तो पूरा ऐसे फास्ट, स्लो स्लो स्लो। दोस्तों, इसको हम स्पॉट रनिंग बोलते हैं। इसके आपने कम से कम एक टाइम में जब आप लगते हो 1 मिनट से 1.5 मिनट तक आपने ऐसे रनिंग करना है और 30 से 40 सेकेंड का गैप देना है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एक्सरसाइज स्क्वाट रनिंग। चलिए दूसरा एक्सरसाइज तो लेते हैं, दूसरा एक्सरसाइज। तो दूसरा एक्सरसाइज का नाम है शटल एक्सरसाइज। आप 5 से 6 मीटर, 4 से 6 मीटर, आप अपने हिसाब से जहाँ आपको सूटेबल एरिया मिले वहाँ पर एक मार्किंग कर लें, जिस प्रकार से हमने किया है इस प्रकार से मार्किंग करें। इसके ऊपर आपने 5 मीटर शटल रन करना है, 1 मिनट में 17 बार दोनों तरफ से मिला के 34 बार, एक तरफ मिला के 17 बार टच करना है। अगर आप 1 मिनट में 17 बार कर सकते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपका टाइम 4:40 से कम ही होगा भर्ती में। तो चलिए करते हैं दूसरा एक्सरसाइज शुरू। यहां से गए बिल्कुल फास्ट दौड़ने, जितना फास्ट आप दौड़ सकते हो, इसमें आपने रुकना नहीं है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप 5 मीटर शटल को पूरा लगातार 1 मिनट तक करें, उसके बाद अपने शरीर को 30 से 35 सेकंड का रिकवरी दें। इस एक्सरसाइज के कम से कम 6 से 7 सेट करें। थैंक यू। चलते हैं हमारा तीसरा एक्सरसाइज। दोस्तों, अभी हमारा है तीसरा एक्सरसाइज। तो तीसरा एक्सरसाइज है शॉर्ट स्प्रिंट। आपको 60 से लेकर 100 मीटर स्प्रिंट करना है, फुल ताकत लगाना है, जितना आपके पास ताकत है, जितना एफर्ट है, पूरा एफर्ट लगाना है। कोशिश करना है कि आपका स्टेप जितना लंबा और जितना तेज हो जाए उतना तेज करना है। जैसे कि आपको यहाँ से आपने खुद अपने ही टाइम में स्टार्ट करना है, फिनिश करना है, फुल स्पीड से रेडी गो। दोस्तों, हमारा चौथा एक्सरसाइज है। कभी भी आपको अगर रनिंग इम्प्रूव करना है तो आपको ये वाला मेथड सबसे आसान और सबसे मुश्किल दोनों एक साथ काम कर रहा है ये, क्योंकि इसमें आप भारी रेसिस्टेंस के खिलाफ काम करते हो। जैसे कि अभी हमारे पास एक टायर है, थोड़ा दिखाएंगे, अभी हम इस टायर के साथ दौड़ेंगे। आप जितना वेट लेके दौड़ेंगे आपको बिना वेट के दौड़ने में उतना ही फायदा होगा। गो।